विकासखंड कोंटा के फंदी गुड़स के सुदूरवर्ती व नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिरला के कन्या आश्रम में शुक्रवार को सीआरपीएफ 228 बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। वहीं मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य जांच करते हुए सीआरपीएफ जवानों ने बच्चों को निःशुल्क में दवाइयाँ बांटी। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के द्वितीय कमांडेंट स्वाति राणा ने बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच बने फासलों को कम कर मधुर संबंध को विकसित करना है। वहीं ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित कर विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, इसलिए हम स्थानीय ग्रामीणों के बच्चों के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाकर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी टीम लगी है। सीआरपीएफ 228 बटालियन के द्वारा चलाए गए इस जनहित कार्य स्वास्थ्य शिविर के लिए बच्चों ने काफी सराहना की और मौके पर सीआरपीएफ के चिकित्सा अधिकारी संदीप वर्मा, कन्या आश्रम के अधीक्षक समेत स्टाफ उपस्थित थे। सीआरपीएफ की तरफ से मैं द्वितीय कमान अधिकारी हूँ। अच्छा, मैं इस जगह पर ड्यूटी के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो बच्चों से कुछ इंटरेक्शन हुआ, खासकर लड़कियों से। मेरा मन किया कि मैं लड़कियों से मिलूं, उनको कुछ उनके बारे में, जिस एज में वो हैं उस एज के बारे में, उनके मेडिकल रिलेटेड इश्यूज, पढ़ाई, आगे के कैरियर के बारे में, इन सब चीज़ों में मैं चाहती हूँ उनको कुछ बताऊँ। जब मैं यहाँ पर आके, मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल साहब और इनसे कांटेक्ट किया, मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला और मैं यहाँ पर आके आई, बच्चियों को उस बारे में ब्रीफ किया और देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतनी छोटी जगह में इतने वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है और साथ में डॉक्टर भी आए हैं। हमने आयुष्मान जो एक प्रोग्राम चला है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आयुष्मान के तहत हम बच्चों का चेकअप कर रहे हैं। बच्चों को जिनको कुछ रिक्वायरमेंट है, मौसम चेंज की वजह से सर्दी जुकाम का दवाई वगैरह, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप और इस तरीके का हम उनके लिए हेल्थ इश्यूज को यहाँ डिस्कस करके उनको मेडिसिन। थैंक यू फॉर प्रिंसिपल सर एंड हियर कि उन्होंने हमारे लिए इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया।